भक्त बंधु और बहनों, आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि घर में रोज़ाना या नित्य डेली घर की पूजा कैसे करनी चाहिए, सही विधि क्या है वो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे। पूजा पाठ दिया यानी कि रोज़ाना जो हम अपने पूजा घर में करते हैं वो सारी चीज़ें कैसे करनी चाहिए, उसकी विधि क्या है। हम अपने घर के मंदिर में बहुत सारे भगवान जैसे कि लक्ष्मी जी, कृष्ण जी, हनुमान जी और कौन कौन से भगवान को रखना चाहिए और उनकी कैसे पूजा करनी चाहिए, उनको फल फूल पाठ भोग अक्षत करने की सब करने की विधि और कैसे करनी चाहिए पूजा, आज की वीडियो में आप विस्तार से देखेंगे। पूरी वीडियो ध्यान से ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आती तो शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पूजा स्थल कैसा होना चाहिए। घर में हमेशा पूर्व उत्तर दिशा में मंदिर का स्थान होना चाहिए। स्थान में हमेशा ध्यान रखिए, पूर्व और उत्तर की दिशा में होना चाहिए। घर के मंदिर में हमेशा आपकी हल्की लाइट जलनी चाहिए जैसे कि मैंने जला रखा। और जो तीसरी मुख्य बात है, घर के मंदिर में हमेशा पीले, हल्के पीले या लाल रंग के जैसे कि मैंने बिछा रखा है ऐसे वस्त्र बिछा के ही फोटो या फिर मूर्ति जो भी आप रखते हैं पूजा करते हैं उसको रखना चाहिए। उसके बाद भगवान गणपति और महालक्ष्मी जी का स्वरूप हमेशा आपके घर में होना चाहिए। उनकी पूजा सबसे प्रथम की जाती है गणपति भगवान की। अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता की भी प्रतिमा हमेशा मंदिर में ज़रूर रखना चाहिए। हमेशा भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ उत्तर दिशा में मुख करके बैठ के ही किया जाना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखिए, उत्तर दिशा के तरफ मुख करके ही आपको बैठना है और पूजा पाठ अपना संपन्न करना है। तो चलिए आइए आप जानते हैं नित्य प्रतिदिन डेली जो आप पूजा करते हैं उसकी विधि क्या है, क्या क्या के किस स्टेप आपको बताऊंगी आज की वीडियो में, पूरा ध्यान से देखिएगा। तो सर्वप्रथम हमें देखिए इस तरीके से कपड़े चाहिए, कॉटन का, लाल कलर का ले लें या पीला कलर का, कॉटन का ले लें या सफ़ेद भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने कॉटन कपड़ा लिया है रेड कलर का। अब क्या करना है, हमें सामग्री क्या क्या चाहिए पूजा की डेली में। देखिए हमने यहाँ बाल्टी ली है छोटी सी, इस तरीके से दो लोटा ले लीजिए। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं मैंने फूल रखे हैं क्योंकि बहुत सारे भगवान हैं तो बहुत तरीके के मैंने फूल रखे हैं। पीला रखा है, लाल रखा, गुलाब रखा है, इस तरीके से ये मैंने ब्लू कलर का रखा है। सारे फूल मैंने, गुड़हल का फूल भी रखा है, सारे फूल ले लिए हैं। यहाँ मैंने भोग लगाने के लिए फल रखे हैं या फिर आप जैसे मिष्ठी और ये रामदाना आता है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें चाहिए थाली छोटी सी भगवान की, इसमें मैंने यहाँ छोटी सी कटोरी रखी है अभिषेक करने के लिए, टीका लगाने के लिए, चंदन लगाने के लिए, जिस भगवान को जैसा चाहे चंदन लगा सकते हैं। उसके बाद अगरबत्ती के लिए इस तरीके से, और ये लोटरी रखी है, आप इसको लोटरी बोल सकते हैं या फिर आप इसको बोल सकते हैं जो आशमनी का बर्तन। उसके बाद दियाली छोटी सी, ये दिया, इसमें हम दिया जलाएंगे। अब आशमनी के बर्तन में थोड़ा सा हम गंगा जल डालेंगे, उसके बाद इसमें पानी हम ऊपर से डालेंगे। पहले गंगा जल डालिएगा, जब भी आप लेते हैं गंगा जल पहले खाली बर्तन में गंगा जल, उसके बाद फिर पानी हमें इस तरीके से डालना है। ये हमने रेडी कर लिया है। अब क्या करेंगे, सबसे पहला फिर दूसरा काम होता है हमारा, ये देखिए मैंने इस तरीके से इसमें लगाना है वो अभी चंदन की। अब हम उससे पहले लेंगे कॉटन का कपड़ा जो हम धुलेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपको बतानी थी, हमेशा घर में आप तुलसी ज़रूर रखें। इस तरह के छोटे से कटोरी में तुलसी रखी है, देखिए मैंने तुलसी इसमें रखी है। तुलसी बहुत ज़रूरी है, तुलसी के बिना भोग अधूरा माना जाता है। तुलसी शालिग्राम को चढ़ती है, विष्णु भगवान को चढ़ती है, तो तुलसी ज़रूर रखें अपने घर में, तुलसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं, देखिए यहाँ मैंने कपड़ा ले रखा है, जो भी कपड़ा आप इस्तेमाल करते हैं पीला, उसको हल्का सा धुल लीजिए, हल्का सा पानी डाल के इसको धोना है, नॉर्मल आप धुल लीजिए। धुलने के बाद हल्का गीला करना है बेसिकली। गीला करने के बाद जितनी फ़ोटो आपके घर में हैं, वैसे तो मूर्तियाँ नहीं रखी जाती है पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रखी जाती है तो आप उसकी पूजा कर रहे हैं, तो इस तरीके से पूरे फोटो को आपको पोंछ देना है। और ध्यान रखिए हाथ हमेशा दूसरा हाथ आपके हाथ के ऊपर होना चाहिए, दोनों हाथों का सहारा लेकर ही आपको पूरे फोटो पोंछनी होती है। कोशिश ऐसा ही करना चाहिए, यही विधि होती है पूजा करने की। तो पहले पूरे फोटो को पोंछ लीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं, हाथ में पानी लेकर के पानी भगवान के ऊपर से छिड़कते हैं, वो नहीं किया जाता है, वो सही विधि नहीं है पूजा करने की। ये प्रॉपर विधि है, पूरा फोटो पोंछ लीजिए, आपका सब कुछ पोंछना है आपको जो फोटो आपके घर में है। उसके बाद क्या करना, देखिए मैं यहाँ पे गौर गणेश होता है, गौरी गणेश बोलते हैं बेसिकली, उनकी पूजा करने की बहुत अलग विधि होती है पर हमारे घर में की जाती है, आपके घर में नहीं कहते तो मत करिएगा। शालिग्राम की भी अलग विधि होती है पूजा करने की, लड़कियाँ उनको नहीं कर सकती हैं पूजा, स्नान नहीं करा सकती है वो, मतलब कोई, मैंने ही उसको कराया, ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए इस तरीके से थोड़ा हमने चंदन लिया, हमने फ़ोटो पोस्ट ली, अब हमें क्या करना है, चंदन लेके तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके, उसके बाद इस तरीके हाथ देखिए अपना, जो छोटी उंगली होती है उसके बाजू वाली जो उंगली होती है, तो इसको हम बोलते हैं रिंग फिंगर,
रिंग फिंगर से ही हमें इसको मिलाना होता है, और उसी से रिंग फिंगर से ही, देखिए रिंग फिंगर से ही आप अपने सारे भगवान को फोटो पे ऐसे लगाएं। सबसे पहले क्या अगर आप गौरी गणेश रखते हैं, सबसे पहले उनको गौरी गणेश को लगाई जाती है, उसके बाद सारे भगवान को इसी तरीके से अभिषेक किया जाता है। अच्छा, अभिषेक करने का, स्नान कराने का जो मंत्र है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एक बार चेक कर लीजिएगा अगर आपको मंत्र चाहिए, वरना मैं एक और डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी जिसमें मंत्र के साथ बताऊंगी, तो आप देख लीजिएगा उसको भी। तो इस तरीके से और सबको लगाने के बाद हमेशा धरती माता को प्रथम आपको जरूर उसको टीकना होता है, इस तरीके से मतलब उसमें लगाना होता है, अभिषेक करना होता है धरती माता को। उसके बाद धरती माता सबसे पहले फूल भी चढ़ाएं, फूल सबको चढ़ा दें, जैसे जैसे आपके घर में भगवान है, भगवान है आपके घर में तो पीला फूल उनको चढ़ाना चाहिए, और जैसे जैसे कि शंकर जी है तो उनको नीला, वो जो नीला फूल चढ़ता है नीला चढ़ा दीजिए उनको, सफ़ेद फूल चढ़ता है वो चढ़िए, दुर्गा माता को उनको ज़्यादा सबसे ज़्यादा पसंद है गुड़हल का फूल तो उनको गुड़हल का फूल चढ़ा दीजिए, कृष्ण भगवान को पीला या गुलाब का चढ़ा दें। तो इस तरीके से सारे भगवान को हमें फूल अर्पित करना होता है। फूल बहुत ज़रूरी होता है पूजा पाठ में, थोड़ा सा अगर आपको मिल जाए तो अच्छा है, अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, बट कोशिश करिए घर में पूजा करते समय फूल का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले हम सारे भगवान को फूल चढ़ा देते हैं। देखिए मेरे घर में बहुत सारे भगवान, मैं सारे भगवान की पूजा करती हूँ, तो इस तरीके से मैं आपको विधि बता रही हूँ पूजा करने की, कि जो एक सिंपल और इजी विधि होती है। इस तरीके से पहला देखिए स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ सारी चीज़ें, वो ध्यान से देखिएगा। तो पहले हमने स्नान कराया, अभिषेक किया, अब हम क्या करेंगे, हम फूल चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा देंगे। अब देखिए लगभग मैंने सबको फूल चढ़ा दिया, अब जो थर्ड स्टेप होता है, तीसरा काम क्या होता है हमारा करने का, जैसे कि मैंने बताया था कि हमें दो इस तरह से लोटे चाहिए होते हैं पूजा में, एक चाहे तो आप स्टील का रख लें, देखिए मैंने स्टील का रखा है, यहाँ पे साइड में आप अपने दाहिनी तरफ इस तरीके से एक लोटा जल भर के ऐसे हमेशा 24 घंटा के लिए इसको ऐसे ही रहने देना होता है। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे दिया ले लिया, अगरबत्ती ले लिया, धूप बत्ती ले लिया, अगर आप मंगल को बृहस्पति कर रहे हैं पूजा तो आप हमेशा कपूर जलाएँ, ठीक है। आज मंगल के दिन मैं ये कर रही हूँ तो देखिए मैं कपूर जला रही हूँ, जो श्रद्धा अगर आप जलाना चाहें जलाएं, नहीं जलाना चाहते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ना जलाएं। पर घी का दिया, लोग मैं देखती हूँ तेल का घी जलाते हैं, सुबह की आरती हमेशा घी के दिए से ही करना चाहिए, गाय का घी है तो और भी अच्छा है, वरना नॉर्मल घी के दिए से भैंस के घी के दिए घी से भी दिया जलाया जाता है, तो घी का दिया ही सुबह की पूजा में करें। उसके बाद देखिए एक समस्या होती है, हमारे घर में इतने सारे भगवान हैं, सब सारे भगवान की हम पूजा करें तो हम आरती कौन सी करें। आरती करने के लिए सबसे पहले देखिए ये विधि नीचे देख, नीचे इस तरीके से सबसे पहले धरती माता को आरती करनी चाहिए, वो विधि मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी कैसे आरती की जाती है। वो आरती हमेशा, देखो मैं बात कर रही थी आरती हमेशा करनी चाहिए, मैंने एक आरती शेयर की, मैंने सारे भगवान की आरती बताई है आपको, वो आरती आप अपने घर में करें, वही आरती करनी चाहिए, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे भगवान होते हैं, हम सबकी पर्टिकुलर आरती नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी आरती चूज़ करें जिसमें सारे भगवान इंक्लूड हों, सारे भगवान को कवर कर लिया जाए, तो वो आरती सबसे अच्छी होती है, मैंने शेयर की है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से आशमनी करा दिया, स्टार्टिंग में भी यही कराना होता है, हाँ ऐसे पानी लेकर कैसे करना होता है, तभी आरती शुरू करनी होती है, एंडिंग में भी वैसे करनी होती है। अब क्या किया, अब हमें भोग लगाना है, आरती हो गई अब हम भोग लगाएंगे। स्टार्टिंग में भी अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने ये ज़रूर किया था, इस तरीके से जल लगा करके इसको आशमनी तरीके से बोलते हैं, विधि होती है आशमनी कराने की, तीन बार किया जाता है, पानी लेंगे छोटे से जो उसमें चमची होती है उसको लेकर के तीन बार ऐसे फेरा जाता है, उसके बाद उसको गिरा दिया जाता है, ये विधि तीन बार से फेरने की भी होती है और गिराने की भी तीन बार होती है, तो इसको प्रॉपर बोलते हैं आशमनी कराना। देखिए विधि देख रहे हैं आप, इस तरीके से आपको की करनी चाहिए चलाते समय भी और करते समय भी। तो ये स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम क्या करेंगे, भोग पे चलेंगे, भोग लगाएंगे, आरती हो गई, आरती ले ली हमने, अब हम भोग लगाएंगे। भोग लगाने के आपके घर में जो भी श्रद्धा है आप इस तरीके से देखिए आशमनी कराते हुए आप इसको इस तरीके से भोग लगा लीजिए, इसको ज़रूर कराया जाता है, इसके बिना माना नहीं जाता है कि वो हमारी पूजा है। आप हमेशा जब भी भोग लगा रहे हैं हमेशा तुलसी डाल के लगाइए, उसके बाद यही तरीका होता है भोग को करने का, मतलब आशमनी कराने का, आप इसको क्या करिए तीन बार ऐसे करके रखना होता है, ठीक है। ये हो गई हमारी पूजा संपन्न, अब क्या करना है, घर की पूजा करने के बाद भी सूर्य भगवान को आपके घर में आप शमी को डालते हैं, बृहस्पति भगवान को डालते हैं या फिर किसी शंकर जी को डालते हैं, हमेशा घर की पूजा खत्म करने के बाद ही जाके हमें पूजा, हमें जल डालना चाहिए, आप जल डाल दीजिए, उसके बाद आप आसन
पे बैठिए, आसन हमेशा आप जिस जहाँ बैठ रहे हैं पूजा में आसन लगाइए, आसन लगा के वहाँ बैठिए और उत्तर दिशा में मुंह करके बैठ करके आपका जो मंत्र जाप करना है, पूजा करनी है, जो भी आपको कथा पढ़ना है, जो भी करना है आप करिए। कथा नहीं, आपका मंत्र जाप बेसिकली पूजा आरती ख़त्म करने के बाद ही किया जाता है। कथा नहीं पढ़ी जाती, कथा आरती के पहले की जाती है, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आप आराम से पूजा कर लीजिए बैठ के, आपका जो 108 बार जो भी आप मंत्र जाप करते हैं वो आप करिए, विनती करिए, श्रद्धा पूर्वक विनय करिए, सब कुछ करिए, अब आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पूजा संपन्न आरती करने के बाद ही घर की, उसके बाद ही हम जल भगवान को डालते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि शंकर जी को, सूर्य भगवान को, या बृहस्पति भगवान को आप डालते हैं केले के पेड़ में, या फिर आप शमी को डालते हैं, जिसको भी डालना है पूजा घर की ख़त्म करने के बाद ही डाला जाता है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक करिए, शेयर करिए सबके साथ, सबको बताइए कि देखिए घर की जो पूजा होती है वो कैसे की जाती है, सही विधि क्या है, बता दी मैंने। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी शंका हो, समस्या हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगी, आपको बताऊंगी, जो भी डाउट हो क्लियर करूंगी। कोई और वीडियो देखनी है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। तो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई, तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ ध्यान रखिए कि पूजा खत्म करने के बाद आसन अपना ज़रूर उठा दें, तुरंत उठा के रखना होता है आसन, और बिना आसन हटाए आप नहीं हटेंगे। आसन का अपना एक महत्व होता है, वो मैं कभी आप ज़रूर बताऊंगी अपने अगली वीडियो में, या फिर कभी आपको के साथ शेयर करूंगी। तो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करिए, शेयर करिए सबके साथ, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।